एशियन पेंट्स की डीलरशिप कैसे लें? एशियन पेंट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जो अपनी सभी सहायक कंपनियों के साथ 17 देशों में बिजनेस करती है। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे डीलर्स हैं, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, और कंपनी धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा रही है और अपने नए नए डीलर्स बना रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो अगर आप भी एशियन पेंट्स डीलरशिप लेकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये एक बेहद मुनाफे वाला बिजनेस है। आज इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर? इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर खुद की जमीन है या दुकान है तो कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर दुकान या जमीन खरीदते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इस बिजनेस में लगभग 15 से 20 लाख तक कुल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसमें गोडाउन और दुकान दोनों शामिल है। कितनी जगह की आवश्यकता होगी इसके अंदर? जमीन एक स्टोर और गोडाउन के लिए चाहिए, इन दोनों चीजों के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। कैसे करें डीलरशिप के लिए अप्लाई? अगर एशियन पेंट्स डीलरशिप लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ कुछ डिटेल्स पूछी जाती है और फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। मुनाफा कितना होगा इस बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि कंपनी बहुत से तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो सभी के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जब डीलरशिप दी जाती है उस टाइम बताया जाता है, तो कंपनी से कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज आपने जाना कि एशियन पेंट्स की डीलरशिप कैसे लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।